बचत बाजार लगाने वाले हजारों ताजिर भी सड़कों पर आ गए। आल कराची बचत बाजार एसोसिएशन की सरपरस्ती करते हुए शर्जील गोपलानी ने वजीर आला हाउस पर धरना देने की धमकी दे दी। दुनिया का वो मुल्क है जहाँ इम्पोर्ट में सारी टैक्सेस एडवांस दे दिए जाते हैं और साल के बाद सेक्शन 143 बी के तहत उसका रिफंड भी नहीं दिया जाता। हम तो ताजिर वो लोग हैं, आपसे मांगते क्या है, सनदकार को आप लोन देते हो फिर इनकी लोने माफ कर देते हो। हम ताजिर तो आपसे लोन भी नहीं लेते, हम अपने घरों पे बेवाओं के पैसे हैं हमारे पास। आज हम अपना कारोबार खोलने के लिए रोड पे बैठी और कोई सुनने वाला नहीं है। तकरीबन 5 घंटे हमें रोड पे आए हुए हो चुके हैं, मजा लेके 5 घंटे में कहीं पे जू भी रहेंगी हो आप लोग वजीर आला हाउस जाने के लिए तैयार हैं? भागेंगे तो नहीं? मर्दों वाली बात, मुसलमानों वाली बात देख ले, जिसको जाना अभी चला जाए। हम 4:30 बजे उठे, अभी नहीं अभी बैठे, अभी हम 1 घंटे टाइम हम दे रहे हैं इनको। हम कारोबारी फोर्समन लोग हैं लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, पुलिस का काम है कानून का अमल दरामद कराना। हमने पुलिस वालों को थप्पड़ नहीं मारने, हमने खा ली नहीं, हमें डंडा मारेगा हम डंडा खा लेंगे, ठीक है। हम इमाम हुसैन की मानने वाले हैं, हम इमामों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मानने वाले हैं। हम डंडे खाएंगे लेकिन पत्थर नहीं मारेंगे। बाबो पक्की बात, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, ठीक है। हम 1 घंटे का वक्त टाइम दे रहे हैं, हमारा टाइम अब शुरू हो रहा है और 1 घंटे बाद हम इंशाल्लाह, आप थोड़ी देर रेस्ट करें, 1 घंटे बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे और अगर मुजाकरात हो गए तो इंशाल्लाह यहीं देख के मुजाकरात करेंगे और जाएंगे। इस मौके पर हैदरी मार्केट एसोसिएशन के सईद अहमद, शर्जील गोपलानी, जफर अहमद और दीगर भी मौजूद थे। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज, कराची।